किस लिए तुझे रब ने बनाया किस लिए। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में तुझे रब ने बनाया किस लिए, बहुत ही प्यारा ये गीत है और इस गीत का मैं नोटेशन आपको बता रहा हूँ। गीत का हमारा स्केल है जी शार्प, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, ये हमारा इसका अरोबरो होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको बहुत ही स्लो में इसका नोटेशन बताऊंगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि इसको आप समझ पाए पूरा और उसको बजा पाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। इसको मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा म्यूजिक के साथ, हमारा शुरू में जो म्यूजिक बजता है उस म्यूजिक को, और उसके बाद में जो आगे का गीत है, ठीक है। गीत शुरू होने से पहले शुरू में एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक आता है, और वो म्यूजिक जो है काफी बड़ा है, सॉरी काफी बड़ा नहीं, छोटा है। तो उसको देखते हैं किस तरह आएगा, पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूं। इस तरह हमारा ये म्यूजिक आएगा जो हमारा शुरू का है, ठीक है। अब इसका नोटेशन देखते हैं, नोटेशन क्या होगा, हमारा स्केल है जी शार्प, सारी गा रेगा मा गामा पा मापा धा पाधा नी धानी सा नी सारे सारे गा रेगा मा। ये जैसे हम अलंकार बजाते हैं ठीक उसी अलंकार की तरह से ही इसका म्यूजिक आएगा, और ये हमारा स्पीड में आएगा, लेकिन पहले उसको आप स्लो में धीरे धीरे तैयार करें। सारे गा रेगा मा गामा पा मापा धा पाधा नी धानी सा नी सारे सारे गा रेगा मा, जो स्पीड मिलेंगे तो कैसे आएगा। ठीक है, ये हमारा म्यूजिक का पहला फ्रेज हुआ। उसके बाद गा गा रे सा नी सा रे, ये सेकंड फ्रेज होगा, ध्यान रखना है। ये सभी तार सप्तक के स्वर है, गा गा रे सा नी सा रे, सेकंड फ्रेज। थर्ड फ्रेज मा मा पा मा गा रे मा मा पा मा गा रे मा मा पा मा गा रे गा गा मा गा रे सा, ये हमारा चौथा फ्रेज होगा। चौथा फ्रेज हमारा थोड़ा चेंज है, ठीक है। जैसे हमारा तीसरा फ्रेज क्या था, मा मा पा मा गा रे, चौथा होगा सारे गा गा मा गा रे सा, ऐसे आएगा सारे गा गा मा गा रे सा, ये हमारा चौथा फ्रेज है। पांचवा क्या होगा, पांचवा फ्रेज थोड़ा बड़ा है, ये पूरा पांचवा है। तो सरगम क्या होगा, पहले इतना ले, नीसा रे रे गा रे नीसा रे रे गा रे सा गा रे सा नी रे सा नी सा गा रे सा नी रे सा नी धा पा धा नी सा। लास्ट वाला फ्रेज फिर से देखे, पांचवा, नीसा रे रे गा रे सा नीसा रे रे गा रे सा गा रे सा नी रे सा नी धा पा धा नी सा। जब स्पीड मिलेंगे तो Thank you.
इस तरह हमारा ये म्यूजिक आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार म्यूजिक आपको और बजा के दिखाता हूँ, देखिए सुनो मैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये म्यूजिक आएगा। इसके बाद में एक छोटा सा आलाप आ जाता है, ये हमारा होगा पहला आलाप, मा पा मा रे मा आ धानी सा रे मा रे नी सा। सेकेंड आलाप ये है, फिर से देखिए। ओ मा पा मा रे मा धनी सारे मरनी सा। इसके बाद ये आलाप हमारा दोबारा आ जाएगा, पर इसमें चेंज हो जाएगा, ये मोहम्मद अजी जी का आलाप होगा। सर का हमारा वही रहेगा, ठीक है, सेम बिल्कुल। ये हमारे दोनों आलाप हो गए। अब इसके बाद में हमारा शुरू होता है गीत। तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए, तुझे मामा रब, तुझे रब ने, तुझे में मामा रब ने गा मामा, ठीक है। तुझे रब ने मामा गा मामा बनाया, गा रे रे गा रे रे, किस लिए, किस, किस में रे रे लिए, रे रे नी, किस लिए, सा 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 सा, किस लिए, सा 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 सा। फिर से देखें लाइन को। तुझे मामा रब, तुझे मामा रब ने गा मामा बनाया, गा रे रे, किस रे रे लिए, लिए, ऐसे गाया जाता है, तो उसको हमें मीड में नीचे लाना होता है। लिए लिए रे रे नी, किस लिए, सा 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 सा। ये लाइन हमारी एक बार बजने के बाद में फिर एक छोटा सा म्यूजिक आ जाता है। एक बार हमारी ये लाइन गाई गई, तुझे रब ने बनाया किस लिए, उसके बाद म्यूजिक आता है। धा पा पा मा मा रे रे नी, सारे सारे सा नी सा। धा पा पा मा मा रे रे नी, सारे सारे सा नी सा, सारे सारे सा नी सा। इस तरह। उसके बाद फिर वही लाइन हमारी रिपीट हो जाएगी दोबारा। तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए, दोबारा रिपीट हो गई। उसके बाद में फिर हमारी फीमेल गायकी आती है। फीमेल गायकी में क्या होगा, तू अकेला ना रह जाए, तू, तू के नीचे सा, तू अकेला,
सा सा धा पा ना पा रह जाए पा नी धा मामा। एक बार ऐसा आने के बाद में दूसरी बार फिर यही लाइन रिपीट होगी, तू तू सा अकेला सा सा धा पा ना रह जाए तू अकेला ना रह जाए। जाए थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। जाए मामा गारे सा इसलिए इसलिए, ये हमारा पहले जैसा है। इस रे रे लिए रे 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 नी इसलिए सा 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 तू अकेला ना रह जाए इसलिए इसलिए। उसके बाद फिर वही फर्स्ट लाइन, तुझे रब ने बनाया किस लिए किस लिए। इतना स्थाई बजने के बाद में फिर हमारा आ जाता है अगला म्यूजिक। अब इसके बाद जो हमारा म्यूजिक आएगा, आइए उस म्यूजिक को भी मैं आपको बजा के दिखाता हूं। जैसे हमारा स्थाई खत्म होगा, तुझे रब ने बनाया किस लिए किस लिए। इस तरह हमारा ये म्यूजिक आएगा, ये हमारा स्थाई के बाद वाला म्यूजिक है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं किस तरह आएगा। ये मा पापा मा गा रे रे गा मा सा रे सा, पहला फ्रेज जो म्यूजिक का होगा वो होगा मा पापा मा गा रे रे गा मा सा रे सा। मा पापा मा गा रे रे गा मा सा रे सा, ये पहला फ्रेज हुआ। दूसरा मा धा धा पा नी नी धा पा मा गा रे गा मा। सेकेंड फ्रेज मा धा धा पा नी नी धा पा मा गा रे गा मा। मा धा धा पा नी नी धा पा मा गा रे गा मा, ये सेकेंड फ्रेज है। दोनों फ्रेज दो बार बजेंगे, जैसे मा पापा मा गा रे रे गा मा सा रे सा। मा धा धा पा नी नी धा पा मा गा रे गा मा। मा पापा मा गा रे रे गा मा सा रे सा। मा धा धा पा नी नी धा पा मा गा रे गा मा। टू टाइम्स ये बजेंगे। उसके बाद में जो हमारा थर्ड फ्रेज म्यूजिक आएगा वो क्या होगा, सा धा नी धा पा मा सा रे सा। नी रे सा नी धा, ये हमारा तीसरा फ्रेज होगा। सा धा नी धा पा मा सा रे सा रे सा नी धा, ये तीसरा फ्रेज। चौथा मा पा मा सा रे सा नी सॉरी मा पा मा सा
दानी धापा मा सारे सानी रे सानी धा नीधा 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 तीन बार लास्ट में, उसके बाद चले जाएंगे हम अंतरा पे। अभी मैं आपको पूरा म्यूजिक फिर से एक बार बजा के दिखाता हूँ। मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद, इसके बाद हमारा ये अंतर आ जाएगा। अंतरा के बोल होंगे मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे, ठीक है। मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिए दुआ मांगे, ये हमारी लाइन होगी अंतरा की। स्केल हमारा जो है वो तो आपको मालूम ही है, पार्ट वन अगर आपने देखा होगा जी शार्प है। मंदिर धा धा मंदिर मंदिर धा धा निशा सा मंदिर मंदिर धा धा निशा सा मस्जिद निशानी मस्जिद निशानी मस्जिद धा पापा मस्जिद धा पापा दिल ये दिल ये गापा दिल ये दुआ मांगे पानी धापा मामा दुआ मांगे पानी धापा मामा। ये हमारी फर्स्ट लाइन है। मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे। एक बार ये लाइन बजने के बाद में फिर इसमें एक छोटा सा म्यूजिक आएगा। जैसे ही फर्स्ट लाइन खत्म होगी म्यूजिक क्या आएगा, सारे सा धा 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 नी धा पा मा पा मा गा रे गा मा सारे सा धा 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 नी धा पा मा गा रे गा मा मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिए दुआ मांगे। इस तरह, ठीक है, ये हमारा म्यूजिक आएगा। इसके बाद में फिर यही हमारी लाइन दोबारा रिपीट हो जाएगी, मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिलिए दुआ मांगे, और उसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड हो जाएगी। मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिलिए दुआ मांगे दिल ये दुआ मांगे हो, हमारा इसमें ऐड हो जाएगा जब हमारी दूसरी बार ये लाइन मंदिर मंदिर वाली आएगी। मा गा रे सा ये उसमें और ऐड हो जाएगा। दिल ये दुआ मांगे हो गे मा गा हो रे सा गे हो, इतना। उसके बाद में फिर हमारी दूसरी लाइन आ जाती है। दिल क्या दुआ मांगे हमराही दिल क्या दुआ मांगे, ये लाइन आएगी। दिल क्या दुआ रे रे
मांगे रे रे, इनमें सब में रे रे ही आएगा। दिल क्या दुआ मांगे हम, हम रेमा हम राही राही, रेसानी राही। दिल क्या दुआ मांगे सा सा गा गा रे रे सा गा गा रे रे सा। फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। दिल क्या दुआ मांगे हम राही, दिल क्या दुआ मांगे। ये लाइन हमारी 2 times रिपीट होगी। इतना लेने के बाद में अगली लाइन जो आएगी वो होगी, टूटे ना सांसों का बंधन हो ना हम जुदा, टूटे धा धा धा, यहाँ पे दोनों धा लगेंगे ठीक है। टूटे ना 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 में शुद्ध धा, टूटे धा 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 ना धा सांसों सांसों धानी नीपा, सांसों धानी नीपा का बंधन पागा गारे रे, का बंधन पागा गारे रे, हो ना रे पामा हम जुदा पामा मा, टूटे ना सांसों का बंधन हो ना हम जुदा हो। लास्ट में होना हम जुदा ऐसे उतर के हमारा आ जाएगा, होना हम जुदा होना हम जुदा। हमें उसने बनाया, फिर हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। हमें उसने बनाया ममा गमा मगा रे रे, हमें मामा उसने गमामा बनाया गरे रे, किस लिए ससा हमें उसने बनाया, किस लिए। उसके बाद फिर हमारी वही लाइन आ जाएंगी, म्यूजिक आएगा। बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। अब आइए इस म्यूजिक का भी नोटेशन देखते हैं। सबसे पहले म्यूजिक का फ्रेज, सबसे पहला फ्रेज क्या होगा? पहला फ्रेज सा सा पाधा, एक साथ सा सा पाधा सा पाधा ठीक है। उसके बाद सेकेंड फ्रेज स
सा धा धा पा पा मा मा रे सा रे। फिर से देखें, सा धा धा पा पा मा मा रे सा रे। सा धा धा पा पा मा मा रे सा रे, ये सेकंड फ्रेज है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फ्रेज क्या आएगा? इस तरह, रे गा मा गा मा गा रे गा रे, रे गा मा गा मा गा रे गा रे, रे गा मा गा मा गा रे गा रे। ये हमारा थर्ड फ्रेज है। चौथा फ्रेज, गा मा पा मा पा मा गा मा गा, गा मा पा मा पा मा गा मा गा। चौथा फ्रेज, ये थोड़े स्पीड में बजते हैं लेकिन उनके लिए आपको पर्सनली थोड़ा रियाज करना पड़ेगा तो बज जाएंगे। गामा पा मा पा मा गामा गा, ठीक है। ये हमारा चौथा फ्रेज हुआ। पांचवा क्या होगा? जो पांचवा फ्रेज है वो थोड़ा बड़ा है, इस तरह आएगा, गा सा सा नी, गा सा सा नी, नी गरे सा नी सा नी सा धा, गा सा सा नी, नी गरे सा नी सा नी सा धा, ठीक है। ये हमारा पांचवा फ्रेज था। छठा क्या होगा? ये छठा फ्रेज, छठा फ्रेज बहुत बड़ा है। धानी धानी धापा मा पा, धानी धानी धापा मा गा सा 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 रे गा सा मा रे मा, धानी धानी धापा मा गा, धानी धानी धापा मा गा, सॉरी सॉरी, धानी धानी धापा मा पा, धानी धानी धापा मा गा सा 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 रे गा सा मा रे मा। ये लाइन हमारी टू टाइम्स बजेगी। इसको मैं आपको फिर से एक बार और समझाता हूँ सुलो में, नहीं तो आप जो है बजा नहीं पाएंगे। धानी धानी धापा, धानी धानी धापा मापा, पहले ऐसे ले, धानी धानी धापा मापा, दोबारा, धानी धानी धापा मागा सा 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 रे गा सा, सा 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 रे गा सा, ऐसे ले, सा 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 रे गा सा मा रे मा, धानी धानी धापा मागा, फिर गलत हो गया, धानी धानी धापा मापा, धानी धानी धापा मागा सा 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 रे गा सा मा रे मा, ठीक है। इस तरह हमारा ये आएगा। इसके बाद में एक फ्रेज और आएगा, लास्ट वाला। ये हमारा हो गया छठा फ्रेज, और ये फ्रेज आपका टू टाइम्स बजेगा छठा वाला। ठीक है, अब सातवां फ्रेज, सा धा सा नी गा पा मा, सा धा सा नी गा पा मा। ये हमारा टू टाइम्स बजेगा ये भी। अभी हमारा पूरा म्यूजिक हो गया, एक बार मैं आपको पूरा म्यूजिक फिर से बजा के दिखाता हूँ स्लो में। Thank you.
इतना बजने के बाद फिर हमारा आ जाएगा अगला अंतरा, ठीक है? अगला अंतरा, अगला म्यूजिक अंतरा की फर्स्ट लाइन, छोड़ के तुझको बीच सफर में मैं जो बिछड़ जाऊं, ये हमारी अंतरा की फर्स्ट लाइन होगी। छोड़ के सागा तुझको रे रे, छोड़ के सागा तुझको रे रे, मैं जो रेपा मा जाऊं बिछड़, छोड़ के तुझको बीच सफर में, मैं फ्रेज बाय फ्रेज बताता हूँ आपको, छोड़ के तुझको सा सा गा रे रे, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आएगा। बीच सफर में सा सा गा रे रे, मैं जो रेपा बिछड़ जाऊं, रेपा मामा बिछड़ जाऊं, रेपा मामा। ये लाइन एक बार लेने के बाद में फिर इसमें एक म्यूजिक आता है, जो म्यूजिक हमारा बिल्कुल अलग होता है। ये म्यूजिक आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा है, ये हमारा धा, इसमें कोमल यूज होगा। वैसे तो शुद्ध यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कोमल और शुद्ध दोनों यूज होंगे। धा पामा, धा पामा, धा सारे सा धा पामा गा, यहाँ गा कोमल। पानी धा पा मा, फिर से देखें, धा पा मा, धा शुद्ध, सा रे सा धा पा मा गा, पा नी धा पा मा, पानी धा पा मा। और जब हमारा ये लय में आएगा, लय में आएगा तो कैसा आएगा? इस तरह लाइन लेने के बाद में फिर हमारी फिर वही लाइन रिपीट हो जाएगी, छोड़ के तुझको बीच सफर में मैं जो बिछड़ जाऊं। इतनी लाइन लेने के बाद में फिर अजीत साहब की आवाज आती है, वो क्या होगी? आग लगा दूंगा दुनिया को घुटके मैं मर जाऊं, आग धा धा लगा दूं धा निसा सा, आग धा धा लगा दूं धा निसा सा, इस दुनिया को निसा निधा पापा, इस दुनिया को निसा निधा पापा, घुटके मैं पामा पाधा, घुटके मैं मर जाऊं मर जाऊं पा मामा, घुट घुट के पामा मैं पाधा मर जाऊं पामा मामा। पूरी लाइन हमारी किस तरह आएगी? आग लगा दूं इस दुनिया को घुटके मैं मर जाऊं।
ठीक है, इतनी लाइन बजने के बाद में उसके बाद जो हमारी लाइन आएगी, याद करेगी दुनिया हमदम अपने प्यार को, याद धा धा करेगी पाधा धानी दुनिया, नी पापा गा दुनिया, नी पापा गा हमदम हमदम गा रे रे अपने प्यार को, रे पा मामा अपने प्यार को, रे पा मामा पूरी लाइन, याद करेगी दुनिया हमको, सॉरी हमदम अपने प्यार को। उसके बाद जो हमारी लाइन आएगी वो क्या होगी, मैं धरती पे आया किस लिए, ये लाइन हमारी बिल्कुल पहले जैसी है, मैं माँ धरती, मैं धरती पे मागा, ऐसे लें, ये हमारा पूरा फ्रेज बनता है, नोटेशन जो होता है हमारा फ्रेज के हिसाब से चलता है, मैं धरती पे आया रे रे किस लिए। यहाँ पे जब किस लिए लेते हैं तो किस लिए रे 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 सा नी, रे 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 नी ए, ये कण है, ये हम रीड को प्रॉपर नहीं दबा सकते, वो कण रूप में ही आता है, किस लिए मैं धरती पे आया किस लिए। उसके बाद फिर हमारी लाइन चेंज होती रहेंगी, सरगम वही लगेगी, मैं घुट के ना मर जाऊं इसलिए तुझे रब ने बनाया किस लिए। इस तरह हमारा ये पूरा गीत पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आपका विद म्यूजिक के आप कहीं भी इसको प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, पूरे गीत को पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री तीनों पार्टों को एक एक करके तैयार करें तो पूरा गीत बढ़िया तैयार हो जाएगा। और ये मैं आपको पूरा गाना विद म्यूजिक के बजा के भी दिखाऊंगा कि किस तरह जब हम इसको पूरा एक साथ तैयार हो जाता है हमारा फिर हम बजाते हैं तो किस तरह आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप सीखना चाहते हैं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही सीख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी प्राइवेट क्लास होती है, वन बाय वन जब आपको सिखाया जाता है तो उसमें दूसरा कोई नहीं होता, सिर्फ आपको ही सिखाया जाता है, एक व्यक्ति को सामने बैठाया जाता है, एक घंटे की एक क्लास होती है, पूरे एक घंटा आपको ही सिखाया जाता है, उसमें कोई भी गीत गजल भजन ढोलक तबला हारमोनियम किसी भी चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, नमस्कार।